मैं वकार पोखरवाल ईआर सबीर ब्लॉग्स को यूट्यूब पे जाके काले वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी देखिए आप समझ सकते हो कि क्या हुआ है हमारी फरारी के साथ और मेरे साथ पता है कौन है। मैं ले में गया, पीछे हमारी फरारी चली गई, लेकिन उसकी जगह फरारी 2.0 आ चुकी है। फरारी 2.3 आ रहा है, मतलब इसको कम्फर्ट बहुत ज्यादा है। तो ऐसी भाई बाय जो लंबे राइड के लिए बहुत सही रहे। निकल चुके ये हमारे आगे जा रहे निवेद भाई, तेज भाई और हम इकट्ठे जाएंगे आज घर को। तो देखते हैं निवेद भाई को हम पास। हाँ निवेद भाई आगे चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज आप शॉक होंगे ये घर कैसे पहुंच गया, वो पर्सनल बात है यूके राइडर थोड़ी समझ के रखो, मुझे थोड़ी थोड़ी बात बता दूंगा तो क्या हुआ क्या नहीं। घर पे पहुंच गया हूँ, वीडियो में जो है यूके राइडर को मिलने बिल्कुल हार्म नहीं किया है, डोंट टेक इट सीरियस। बाकी फिलहाल मैं फटाफट तैयार होकर उसके बाद बताता हूँ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, हमारी फरारी कहाँ पे है। बहुत दुखी भरी कहानी है, पहले कपड़े तो पहन लिए, शूज पहन के तैयार होता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस मैं घर से निकल चुका हूँ और चाबी देखिए आप समझ सकते हो कि क्या हुआ है हमारी फरारी के साथ और मेरे साथ पता है कौन है। एक आया ही। देखा मैं सरप्राइजली घर कैसे पहुंच गया, गजब बेइज्जती है। तो ये इंसल्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे पर्सनल काम था, पर्सनल मामला था, इस वजह से मैं फटाफट घर पे आ गया। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूं अपने गैराज के पास फिर से, ये रहा हमारा पीछे गैराज। गैराज में अभी फिलहाल आज घोड़े लगे हुए हैं, मामू जी वहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी गाड़ियाँ जो इस तरफ आ चुकी है, हालांकि यहाँ पे नहीं है। तो बाकी जो हमारे पास फरारी है ना जा चुकी है, वो दुख भरी कहानी है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। मैं ले में गया, पीछे हमारी फरारी चली गई, लेकिन उसकी जगह फरारी 2.0 आ चुकी है। फरारी 2.0 का अभी जो है ना हम पूरा तैयार करने वाले हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ फरारी 2.0 कौन सी है। रेडियो देखने के 1, 2, 3 चेक करो गाइस, ये आ चुकी है न्यू वाली अल्टो JK12B5569, मतलब ये 2020 मॉडल है। उस गाड़ी का मॉडल डाउन हो गया था और उसकी वजह से मुझे वो बेचनी पड़ी, इसको भी इंशाल्लाह उससे भी खतरनाक तैयार करवाएंगे इन फ्यूचर में। तो इसको फटाफट अभी लेकर मैं और रिजवान भाई कहीं पे फिलहाल काम जा रहे हैं, इसमें अच्छी बात है सेंटर लॉकिंग। बाकी इसका काम जो अलॉय वगैरह स्कल्ट्स वगैरह स्पॉइलर A to Z एकदम खतरनाक वाली होगी और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखने होगा ईएस बिल व्लॉग्स, वो इन फ्यूचर आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। फिलहाल इस गाड़ी को लेकर चलते हैं रुखसार भाई की दुकान पे, वहां से जो है ना एक बाइक लेते हैं, ये गाड़ी और बाइक लेके जाएंगे, ये गाड़ी काम पे लगा के मैं बाइक पे वापस आ जाऊंगा। चले करते हैं इसको स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरारी 2.0 में हम इंटर होते हुए, यह तो खूबसूरत है पर थोड़ा सा हमारे जो है ना हमें जो पसंद है वो नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ स्टार्ट हो गई है। बाकी पावर विंडो है इसके अंदर, वो मैं स्टीयरिंग चेंज करवाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें एयर बैग है वो भी देखते हैं क्या सीन रहा है। बाकी इसका इंटीरियर भी पूरा तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी गाड़ी बनानी है जो हमारे पूंछ मेंढर के अंदर किसी के पास ना हो, ऐसी गाड़ी तैयार करवानी है। फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल पहुंच चुका हूं रुखसार भाई के दुकान पे और यहाँ से मैंने चाबी ले ली है, बाइक है उसकी, उसको लेके जा रहे हैं साथ में। तो मैं आपको एक बाइक दिखा देता, ये चेक करो हमारी डुगाटी यहाँ पे आई हुई है, मतलब कहाँ कहाँ से घूम के इधर पहुंच गई है, देख रहे हो क्या हाल बना दिया इसका। ये वाली बाइक लेके जाने वाला हूँ एवेंजर, पता नहीं इसकी चाबी कहाँ पे लगती है, यहाँ देखो इसकी चाबी कहाँ पे लगती है। और सार भाई की बाइक लेके यहाँ पे पहुंचा था पर इसके टायर में हवा ही नहीं है, ये कैसी बाइक रखी है आपने, हवा नहीं रखी इसमें, शक्ल देखो हवा नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे अकनवाज भाई जो हवा भरते हुए तेज। तो फिलहाल हवा भर लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, इसको लेके ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लेट हो गया। टाइम चेक करो 10:26 हो गए इधर ही। इस वाली बाइक को ना मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ, नई बाइक है ये, अभी जो है ना 7376 किलोमीटर चली है, फील आ रहा है, मतलब इसको कंफर्ट बहुत ज्यादा है। वैसे भाई बाइक जो लंबे राइड के लिए बहुत सही रहती है, इसके अंदर एक मतलब एडवांटेज ये है कि ABS है इसके अंदर, ABS में जो है ना ब्रेक जो है ना ठीक रहती है, अगर नॉन ABS होगी तो ऐसे बजड़ी भी आ रहेगी तो खिसक जाएगी तो फिर बंदा गिरने का खतरा रहता है, तो इसमें ABS है सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है इसका। इसको ना खींचते हैं, मेरे पास मोटर व्लॉगिंग का सिस्टम नहीं था तो मैं आपको बताता कि कितनी भागती है ये। चलो इन फ्यूचर हम मोटर व्लॉगिंग भी शुरू करने वाले इंशाल्लाह। तो गाइस हम जा रहे थे रास्ते में और हमें हल्क दिख गया, भैया जो पार गया हुआ है, ये रहा हमारा हल्क। तो हम सोच रहे हल्क को लेके जाएं, उसको लेके जाएं, फरारी को लेके जाएं, कौन सी चीज लेके जाएं, एक वो भी घड़ी है, वो किसी और की है, वो नहीं हमारी। एक काम करते हैं भैया को जो है ना ये वाली गाड़ी देते हैं, ये लेके जाए ऊपर की तरफ, हम हल्क को लेके चलते हैं, अपनी गाड़ी अपनी होती है जैसी भी हो। सो गाइस हम हल्क को नहीं लेके जा रहे क्योंकि भैया को कहीं पे काम जाना है, तो इसी वाली बाइक को लेके जा रहे हैं जो हमारी रुखसार बाइक ही है, तो हल्क भैया लेके जा रहा है काम पे। सो गाइस अभी फिलहाल पहुंचे थे गरसाई और यहाँ पे हमारी फर्स्ट रील जो है हमारी गाड़ी की आने वाली है, वो इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, ईयर सिविल ब्लॉग से वहीं पे भी फिलहाल रील शूट कर लेते हैं। मैंने बाइक वहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नीचे आर्मी है, ज्यादा शूटिंग अलाउड नहीं है, फटाफट करते हैं मतलब रील शूट वगैरह फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे पहुंचे थे अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन ये वाली शॉप बंद है, कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई है, 5-6 दिन शॉप बंद है, देखते हैं यहाँ पे हम गाड़ी रख के जाते हैं या क्या करते हैं वो आगे सीन देखते हैं। तो इनसे बात करते हैं काम क्या क्या है इसके अंदर, मतलब कैसे कैसे इसके काम है, जो डेंटिंग वेंटिंग थोड़ी थोड़ी है, टच टूच कैसी है, वो कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। 2000 years later
तो गाइस अभी यहाँ पे बातें करते करते मतलब पूरा गाड़ी का डिसाइड करते करते कहाँ पे काम लगवानी है ये कार के टाइम पता क्या हो गया 12:55। अभी फिलहाल दोनों गाड़ियाँ लेके हम जो है ना निकल रहे हैं पुंछ के लिए, अपने बाइक को भी अपने फरारी 2.0 को भी। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, मतलब थोड़ा बहुत काम है इसका डेंटिंग पेंटिंग का थोड़ा सा। हम सीधा पुंछ के निकल रहे हो तो वहाँ पे जाके शायद गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ेगी हमें, देखते हैं उधर ही जाके क्या सीन रहता है। फिलहाल रिजवान भाई बैठ चुके बीच में, मैं भी अपने इसको करता हूँ स्टार्ट और लेके निकलता हूँ यहाँ से। ये जा रहे हैं आगे रिजवान भाई और आगे हमारे चल रही है पुलिस और मैं भी थोड़ा हेलमेट चल रहा हूँ। फिलहाल पहुंच जा रहा हूँ, क्या करो घर से हेलमेट नहीं लाया। तो रिजवान भाई पुलिस वाले को ओवरटेक करता हूँ, मुझे भी भगाना पड़ेगा, मैं इनसे आगे हो जाऊँ या पीछे रहूँ इस बात का समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हेलमेट नहीं है यार मेरे पास, ये मेरी गलती है लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में वहाँ से आगे आना पड़ा। आगे पहुँचने वाले पुंछ यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, व्यू मस्त हो रहा है, एकदम धूप निकल रही है खतरनाक वाली। अभी फिलहाल हम पुंछ पहुँच चुके हैं और मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। नवीद भाई को अभी आने में टाइम लगेगा, बाइक यहाँ पे पार्क की हुई है, बाकी देखते हैं नवीद भाई क्या बोलते हैं। नवीद भाई से हमने गाड़ी ली है, थोड़ा सा काम था, क्या लगी है नाव लगी है। एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं है ना इसके पास है, तो भूखे आ रहे हैं ऐसे ही। हम आए सुनकोट थे, वहाँ से प्लान बन गया कि यहाँ पे आना, क्योंकि नवीद भाई बोले बोला पूंछ लेके आता हूँ गाड़ी। पहले आई थिंक ये वकार पासवाल है, इधर इनसे मिल के आते हैं। तो देखो ये भाग गया, 2 सेकंड लेट हो गया, फेन छोड़ेंगे कहा, इंडिकेटर दे रहे पीछे की तरफ, टर्न ले ले, मैं वहाँ से यहाँ पे आया, अगर आप भागे तो फिर सर हमें रोक ही लिया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है हरियत बुला दी करो ना, बस बिग फैन 2-3-4 बारी तम कितो आया, मगर वो पिछले सिरे तो वो तो मगर आया, मैं आई नहीं छोड़ता, आई की हटिएगा ना मगर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकार पोसवाल ER सबील व्लॉग्स को YouTube पे जाके काले वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल नहीं देगा फोन रतो नहीं काले फोन काले बटन दबा गया, सब्सक्राइब जरूर करियो। अगर भाई का व्लॉग अच्छा है इन्हें ना थोड़ा आगे बताओ, ताकि खिता है पीर पंजाड़ बिचो अच्छा अच्छा व्लॉगर जड़ा है पैदा में और हमारा खिता ना रिप्रेजेंट करें एट द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। अंग्रेजी देखी है मेरी, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मेरा इंस्पायर है, इन्होंने इंस्पायर हो गया हम गेस्ट बड़ा लाइन में, बहुत अच्छा, थैंक्स अ लॉट सर, शुक्रिया। फिर मिला है 10 बार मैं मतलब कोशिश की, एक बार तुम भूल ले जोर मगर जोड़े नहीं छोड़ता नहीं तो उन्हें बुलाया होता, हम रुक जाता इंशाल्लाह। चलो जोर अच्छा शीशो बंद हो ना, चलो अल्लाह खैर करे। तुम गोजरी में ब्लॉगिंग करें या हिंदी में? उर्दू में, ठीक है जनाब, मेरी गुजारिश है, वो कहते हैं कौन सी अपील है आपसे, भाई के चैनल को जरूर देखें, जज करें, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ने का मौका दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आज हमने जो ना पासवाल सर से मिल लिया, मैं बोलता आज नहीं छोड़ूंगा, आज इधर जाएंगे पकड़ के छोड़ूंगा, अचानक मुझे दिखे मैं वापस भागते हो गया उनके पास। सर हमारी भी कोई फसल अफसाई करो, उन्होंने करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, उनका इतना बड़ा फैन था तो मैं अपनी बाइक ही भूल गया, बाइक इधर छोड़ के भाग गया था। रिजवान भाई को चले गए, नवीद भाई भी आ चुके हैं, फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। हमारी दोनों गाड़ी लग चुकी है, ये वाली बाइक भी यहाँ पे, गाड़ी यहाँ पे, नवीद भाई आ चुके हैं, देखते हैं नवीद भाई क्या क्या काम है इनका, वो मिस्टर साहब देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी छोड़ के या जो भी करेगा सीन वो देखते हैं क्या रहता है। बाकी वकार पर सारे से हमने मिल लिया आज, उन्होंने फोन पकड़ के बोला सीयर सिविल बस को सब्सक्राइब करो। 2000 years later. So guys, अभी ना हम गाड़ी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, 3-4 दिन लगेंगे गाड़ी को सेट होने में, फिर यहाँ से लेके जाएंगे अपने फरारी 2.0 को। नवीद भाई जो है बाहर बैठे हुए हैं, कुछ ठंडा वगैरह लेके पिला रहे हैं हमें। So guys, फिलहाल पुंछ से हम निकल चुके हैं, ये हमारे आगे जा रहे हैं नवीद भाई, नवीद भाई और हम इकट्ठे जाएंगे आज घर को, तो देखते हैं नवीद भाई को हम पास कर पाते या नहीं कर पाते। लग चुकी है रेस, इंडिकेटर दे रहा है, नवीद भाई फिर से आगे चुके हैं, आप पकड़ना मुश्किल है क्योंकि इस वाली बाइक की पिकअप नहीं है, उस वाली बाइक की पिकअप है। ਮੈਨੂੰ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਟ।
हो गया। अभी नवीस भाई के साथ मस्ती करने के बाद यहाँ पे डलवा रहे हैं पेट्रोल। सार भाई और मेरा व्लॉग देखा, देखा तेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि तेल नहीं डाला इसने। 500 का पेट्रोल डलवा लेते, ये देख ले, ये देखो फुल हो गई है। सो गाइस अभी मैं भी पहुंच चुका हूँ रिजवान भाई के घर, यहाँ पे रिजवान भाई को ड्रॉप कर दिया। बाकी हमने जो है ना इसको पूरा धो धा के एकदम फ्रेश कर दिया चक्रो, तो बाकी देखते हैं वो गाड़ी हमारी कब तक तैयार होती है। तो ये व्लॉग जो है ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज का हमारा ये नन्ना सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बशर्ते जिंदगी। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो, हमारे बुखार पर सवाल सर ने भी बोला है सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।